बिहार में डबल इंजन की सरकार की लगातार विफलता और उस विफलता को छुपाने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही दरभंगा में माहौल गर्मा गया है, जहां एक ओर डीएमसीएच भर्ती पप्पू यादव का इलाज चल रहा है तो वहीं अस्पताल परिसर के बाहर उनके समर्थकों द्वारा अलग अलग तरह से उनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन जारी है। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बावजूद सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई कारण दरभंगा ही बन चुका है और इस रन में जो सबसे बड़ा चेहरा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है वह है पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान का। सोमवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। पूरे मुंडन कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती रही। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। मस्त है, सोई हुई है, एसी में मस्त है और बाहर जनता पस्त है। इस सरकार को जगाने के लिए, सरकार की नीति साफ करने के लिए कि सरकार की कथनी और करनी जो अलग अलग है उसको उजागर करने के लिए आज हम लोग ये जो है ये काम कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। क्योंकि जो चोर था जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा अपने कार्यालय के अंदर में बीजेपी के हमारे राजीव प्रताप रूड़ी, वो रहा है। और जो साथ जिन्होंने पर्दाफाश किया माननीय पप्पू यादव जी, आज वो जेल के अंदर में है, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उसी विरोध में आज हम लोगों ने अपना बाल मुंडन कराया है और बाल मुंडन करा के एक बिहार सरकार को संदेश देना चाहा है कि अविलंब इसको किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव को रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूड़ी को अविलंब गिरफ्तार करके समाज में, बल्कि बिहार सरकार अगर के अपने आप को चाहती है कि उसका उसकी नीति साफ है तो अविलंब उसको गिरफ्तार करे और पप्पू यादव को रिहा करे। अगर ऐसा नहीं होता आगे क्या करते? तो हम लोग बाल मुड़वा करके एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाल मुड़वा सकते हैं वो लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। हम लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं अगर राजीव प्रताप रूड़ी और राजीव प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार नहीं किया गया और अविलंब पप्पू यादव को रिहा नहीं किया। नाम बताया जाए? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट या जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आपको तलाश है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तो आपके लिए है मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, सबसे बेस्ट, जहां पर एडमिशन ओपन है पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और जर्नलिज्म के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आए और ज्वाइन करें।